दोस्तों हम आए हैं सूरत में। सूरत में आपको केसीआई पेपर के साथ सिज्जू पपीज मिलेंगे। सिज्जू पपीज जो है दोस्तों दो ब्रीड का समन्वय है, एक तो एप्सो लासा और इसके साथ एक और ब्रीड, दोस्तों मुझे नाम नहीं याद है, मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दोनों ही नाम बता रहा हूँ। तो ये दोनों ही आपको ब्रीड का मैं फोटो भी दिखा रहा हूँ, इन दोनों से ये ब्रीड निकाली गई है। तो अभी काफ़ी लोग पूछते हैं कि आप लोगों को ये देखिए नॉर्मल साइज में सिज्जू है, ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये स्मॉल साइज में सिज्जू है। इसके पपीज भी छोटे छोटे हैं और इसके आप देखिए बहुत प्यारे प्यारे हैं। और केसीआई रजिस्ट्रेशन पेपर इनका आवेदन किया गया है, बहुत जल्दी आ जाएगा। तो केसीआई रजिस्ट्रेशन के साथ मिलेंगे, मदर फादर को भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ये एक बाहर घूम रहा है, 3 महीने का पपी है। तो सपना मैम के नंबर मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों नंबर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, नंबर है 4 times 7 93 1113। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, 4 times 7 7 7 7 93 1113, ठीक है। तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नेटवर्क इश्यू रहता है तो आप व्हाट्सएप कॉलिंग भी कर सकते हैं, बिकॉज ये थोड़ा सा रिमोट लोकेशन एरिया में है, तो मैं यहाँ आकर खुद ही पर्सनली वीडियो दोस्तों बना रहा हूँ। तो पपीज की रेंज मिनिमम स्टार्ट हो रही है 20,000 से, फिर वो 30-35 हज़ार रुपये तक की पपीज अवेलेबल है, फिर वो डिपेंड करता है उसकी साइज क्वालिटी फेदर क्वालिटी कैसी है उसके हिसाब से, लेकिन सारे पपीज आपको कैसी है रजिस्टर्ड मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए इस मदर के पास जो है ये नॉर्मल साइज में है, मतलब कि आप स्मॉल डॉग ब्रीड कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये ब्रीड के 6 पपीज अभी यहाँ हैं, इसके 5 पपीज यहाँ पर अवेलेबल हैं, ठीक है, 5 पपीज हैं इसके। छोटा अगर आप डॉग पसंद कर रहे हैं कि उसकी साइज़ ज़्यादा बड़ी ना जाए तो आप ये ब्रीड के लिए जा सकते हैं। आपका नॉर्मल ब्रीड आपको चाहिए कि थोड़ा डॉग दिखने में ज़्यादा क्यूटी पाई या ज़्यादा थोड़ी सी साइज भी दिखे जब हम कार सिलेक्ट करते हैं, वैसे भी कुछ रहता है कुछ लोगों का रीज़न, तो ये आप लोग जा सकते हैं इसके लिए। और यहाँ पे एक फीमेल ने दोस्तों सिर्फ एक ही पपी दिया है, तो ये तो बोनस है आप लोगों के लिए, बिकॉज एक पपी है तो फ़ायदा क्या होगा आप लोगों का कि इसको माँ का पूरा पोषण जो है सिर्फ इस बच्चे को मिलेगा और यह सुपर हेल्दी होने वाला है। थ्री डेज का पपी है दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। और मैं यहाँ दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमने केसीआई रजिस्ट्रेशन के ऊपर भी मैडम के साथ वीडियो बनाया है, तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। केसीआई रजिस्ट्रेशन पेपर कैसे होता है, आपको केसीआई का पेपर मिलेगा, इसके साथ चिप मिलेगी, चिप अपने डॉक्टर के पास आप इंस्टॉल वेटरनरी डॉक्टर के पास इंस्टॉल करवा सकते हैं, उसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, आसानी से हो जाती है। दोस्तों सपना मैम का स्पेशली सिज्जू के ऊपर बहुत सारा वर्किंग करना है, और सिज्जू ब्रीड एक स्मॉल ब्रीड है। अगर आप 2 BHK 3 BHK अपार्टमेंट में रह रहे हैं, विलाज में रह रहे हैं, तो कोई टेंशन की आपको बात नहीं है। तो आप लोगों के पास दोस्तों अभी ये पपीज तो अवेलेबल है ही, ठीक है। इनके पास एवरी मंथ 1 फीमेल जो है वो पपी प्रोड्यूस करके देती है, मतलब एवरी मंथ इनके पास अराउंड 7 to 8 पपीज रहते ही हैं। तो आप मेरा ये वीडियो साल में कभी भी देख रहे हैं, सपना मैम के नंबर मैंने आपको दिए हैं, इवन दो स्क्रीन डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, आप जाके उन्हें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं पपीज के लिए और सारी जानकारी ले सकते हैं। अब दोस्तों ये जो है थोड़ा छोटी साइज में है, तो कुछ लोगों को छोटा कॉम्पैक्ट छोटा पैकेट बड़ा धमाका चाहिए और कुछ लोगों को बड़ा पैकेट बड़ा धमाका चाहिए, उस तरीके से भी है, ठीक है। इसमें कुछ कलर भी अलग 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 आते होंगे मैम? यस यस, कलर भी आते हैं, क्वालिटी भी आते हैं। बहुत लोगों का कहना है कि आप मतलब प्राइस आपकी ज्यादा कम क्यों होती है, तो देखिए सर ये फीमेल इसको हम कहते हैं शो क्वालिटी कॉम्पैक्ट साइज। मैं इसकी साइज कंपेयर करके दिखाऊंगी मेरी दूसरी भी शो क्वालिटी की फीमेल के साथ, दोनों ही फीमेल शो क्वालिटी है। ऐसा नहीं है कि मैं मिक्स कुछ है इस वजह से प्राइस कम ज्यादा होती है। जो 20,000 के बच्चे हैं वो भी केसीआई रजिस्टर्ड है, जो 30,000 के बच्चे हैं वो भी केसीआई रजिस्टर्ड है, यानी कि प्योर ब्रीड, ठीक है। मैं दोस्तों ऐसा कोशिश करूंगी कि मैं दोनों को एक साथ कंपेयर करके दिखा सकूं। सिज्जू का चलो इधर आओ, ये देखिए दोस्तों जिसकी मैं बात कर रहा था, आप साइज आप देख सकते हैं, ये कितने कितने साल की होगी सर? ये 1.5 साल की है, ये 1.5 साल की, और ये इसने फर्स्ट टाइम बच्चे दिए, और वो एंड ये 3 साल की है। अब देख लीजिए दोस्तों 3 साल की है तो भी छोटी है, और ये जो है
कितने 1.5 साल की, तो भी इससे बड़ी लग रही है। नॉर्मल नॉर्मल साइज है और ये कॉम्पैक्ट साइज है, छोटी साइज है। इस कॉम्पैक्ट साइज में हमेशा जो बॉडी वेट, अगर आप बोलो तो बॉडी वेट 3 किलो या मैक्स टू मैक्स 3.5 किलो जाएगा, ठीक है। और जो रेगुलर साइज में होते हैं ना, ये भी शो क्वालिटी है, जो रेगुलर साइज में होते हैं ना, उसका वजन 5 किलो से लेके 7 किलो के अंदर जाएगा। फीमेल है तो 5 किलो और मेल है तो 7 किलो एडल्ट होने के बाद, ठीक है। तो दोस्तों मैं यहाँ कहना चाहूंगा, आपको अगर टोई ब्रीड के आसपास जाना है, टोई या माइक्रो या मिनी ब्रीड के पास, तो ये आपकी चॉइस होगी। और अगर आपको स्मॉल ब्रीड जाना है, ठीक है, तो ये स्मॉल ब्रीड ये रहेगी, ठीक है जी मैम। एक एग्जाम्पल हम ऐसा दे सकते हैं कि आप टॉय ब्रीड में ले लीजिए, एक पॉकेट साइज टॉय ब्रीड होती है, टॉय पॉम होते हैं, और एक नॉर्मल अपने टॉय पॉम होते हैं जी, कल्चरल पॉम, कल्चर पॉम होते हैं। लेकिन एक्चुअली पॉम में मुझे उतना आइडिया नहीं है, बट जैसा कि ये रेगुलर साइज में है एंड ये एकदम कॉम्पैक्ट साइज में है। ये फीमेल मैंने एक समय 80,000 में परचेज की थी, 80,000 में, ठीक है। तो दोस्तों बहुत ही खूबसूरत पपीज अभी अवेलेबल है, ऑल ओवर द ईयर अवेलेबल रहते हैं। अभी मैम वो पिछली बार हमने जो बनाया था लेब का, लेब है अभी अवेलेबल है? सर मैं एक्चुअली, मेरी थोड़ी पर्सनल प्रॉब्लम हुई है जिसके कारण मैं अपने फार्म के जितने भी लार्ज ब्रीड हैं, जो लैब्राडोर हैं, जर्मन शेफर्ड है, गोल्डन रिट्रीवर है, मैं सबके सब सोल्ड करने वाली हूँ। ओके यस, ठीक है, मतलब आप इसी ब्रीड पे अभी कंटिन्यू करेंगे? मैं सिक्स भी कर पाऊंगी, बिकॉज पर्सनल रीजन भी बहुत सारे आगे हैं जो मैं नहीं, हम समझ सकते हैं कि दोस्तों डिस्क्लोज नहीं कर सकते। तो दोस्तों अभी के लिए सिज़ू इज द हॉट फेवरेट और इनकी एक्सपर्टीज है इसको ब्रीड करवाने में। और दोस्तों आपको कई जगह पर दोस्तों KCI के पेपर गलत मिलते हैं, KCI रजिस्ट्रेशन गलत मिलता है, या फिर आपको चिप गलत मिलती है, ये सारी चीज़ों का यहाँ कोई टेंशन नहीं है। मैं दूसरी बार, एक साल के बाद दोस्तों दूसरी बार आ रहा हूँ मैं वीडियो बनाने के लिए, और अभी तक नॉट अ सिंगल कस्टमर की हमें कंप्लेंट नहीं आई है। तो आप लोग बिंदास रह सकते हैं, ये देखिए चिप ऐसी कुछ होती है जी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मेरे यहाँ जितने भी डॉग है, मतलब इतनी चिप है, इतने पेपर है, जितने भी बच्चे हैं सब डिलीवर भी करने हैं मुझे, डायरेक्ट KCI से मेरे पास आते हैं। ये ओनली चिप है, पेपर मेरे दूसरे रूम में रखे हुए हैं, ठीक है। तो आई होप दोस्तों कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। 3 दिन का पपी भी आपने देखा, ये बड़े भी देखे, अब छोटे से पपीज कुछ देख लेते हैं जो नॉर्मल साइज के थे उसके लिए देखिए, ठीक है। मेल फीमेल में प्राइस क्या डिफरेंस रहेगा, यही रहेगा दिखाना चाहूंगी, ठीक है। यस, ये 3 मंथ का बेबी है, ये ऑल वैक्सीनेशन कंप्लीट है, ये 20,000। ओके यस, अब मैं आपको ये फीमेल दिखाना, एक एक करके मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। पहले मैं फीमेल दिखा लेती हूँ, ये सिजुका है, निकनेम सिजुका है, ऑन पेपर तो नाम दूसरे ही होंगे। इनके बच्चों को मैं रखती हूँ, ये एक फीमेल अवेलेबल है, कलर आप देख सकते हो, फर आप देख सकते हो, डेट ऑफ बर्थ है सर 13 तारीख, ठीक है। एंड सिजुका इधर आओ, एंड सेकेंड वन, दूसरी फीमेल, ठीक है। साइज एंड कलर एंड क्वालिटी एक्सीलेंट, अगर मैं कंपेयर करूं अदर ब्रीडर तो ये बच्चे कम से कम उनको 35,000 से 50,000 के अंदर मिलेंगे, ठीक है, इस क्वालिटी में, मैंने जो क्वालिटी मेंटेन की है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर मैं गुजरात वालों के लिए कहूंगा कि आप लोग पंजाब के या हरियाणा के पपीज लाते हैं तो एक तो लोकल, मैं लोकल फॉर वोकल में बहुत मानता हूँ, जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, बिकॉज दोस्तों लोकल ब्रीड का फायदा क्या है, खास करके लाइव एनिमल में, दिस इज आर यूज टू दी लोकल एनवायरमेंट, पहली चीज है कि ये यहाँ पैदा हुए हैं, यहाँ ब्रीड कर रहे हैं, इनको एटमोस्फियर पता है क्योंकि ये जन्म से ही यहाँ हुए हैं, ठीक है। तो दिस इज द बेस्ट एडवांटेज है अगर आप गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान या MP से, जो गुजरात की बॉर्डर के राज्य है, बिकॉज पंजाब में ठंड का लेवल जो है वो बहुत एक्सट्रीम होता है और ये ठंड के ही डॉग है, तो ठंड में पैदा हुए लेकिन इनको ठंड में प्रॉब्लम नहीं होगी गुजरात में, लेकिन गर्मियों में अगर आप पंजाब या ऐसी ब्रीड पंजाब से या ले आएंगे तो प्रॉब्लम कर सकता है, मैं नहीं कह रहा हूँ कब करेगा ही, लेकिन कर सकता है दोस्तों। और एक चीज सर मैं इसी बात पे एक बात कहना चाहूंगी कि मैं हमेशा अपने क्लाइंट से एक चीज की गारंटी देती हूँ कि आप अगर मेरे घर का बच्चा ले रहे हो ना
उसका हेल्थ इश्यू नहीं आएगा। आप मेरे घर से बच्चा लो, 6 महीने आप सिर्फ मेरी गाइडलाइन में रहो, ठीक है। आप बच्चा लेके जा रहे हो और अगर लेके जाओ, जाते ही आप अपने वेटनरी के पास से, चाहे कहीं भी आप लेके जाओ, अपने वेटनरी के पास से आप इसे चेकअप करवाओ, हेल्थ चेकअप करवाओ। अगर डॉक्टर ने कह दिया कि बच्चे में कोई प्रॉब्लम है, मैं पूरे पैसे रिटर्न करूंगी, लेके पूरे पैसे रिटर्न करूंगी। आप मुझे बच्चा भेज देना, इंक्लूडिंग ट्रैवलिंग का जो ट्रांसपोर्टेशन खर्चा क्लाइंट पे करते हैं वो भी मैं पे करूंगी। मैं इतनी गारंटी से इतने हेल्दी बच्चे सेल करती हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं दे सकता, ठीक है, जबकि मैं देती हूँ। तो दोस्तों, ये पेट गुरु अजू भाई का चैनल का वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। हमने दोस्तों दूसरा एक एपिसोड बनाया जहां पर आपको हम इसके फैक्ट्स के बारे में बताएंगे और बाकी की जो जानकारी इस वीडियो में नहीं कवर की वो भी हम आप लोगों को बताएंगे। तो उस वीडियो को भी देखिए, लिंक शायद डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलो दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं खत्म करते, मिलते हैं अगले से एक्साइटिंग एपिसोड में। तब तक के लिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।